हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज़ एलसीएम ऑफ 11। सो गाइस, हम एलसीएम सॉल्व करने जा रहे हैं 11 का। सो इस सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम का पहले मतलब जान लेना है। सो मैं यहां पे लिख रहा हूँ एलसीएम ऑफ, एलसीएम का मतलब जान लेते हैं, एलसीएम ऑफ 11। इसे सॉल्व करने से पहले आपको एलसीएम का मतलब जान लेना होगा। सो एलसीएम का मतलब होता है, एल मतलब लोएस्ट, सी मतलब कॉमन और एम मतलब मल्टीपल। सो हमने एलसीएम का मतलब जान लिया है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सॉल्व करना है 11 का। इसे सॉल्व करने के लिए आपको 11 को लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके सामने से एक ऐसी वर्टिकल लाइन नीचे जाती हुई लगा देनी है जहाँ तक आपकी कैलकुलेशन जाती हो। उसके बाद ऐसे दो तीन लाइन लगा देनी है जहाँ तक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है जहाँ तक आपकी कैलकुलेशन जाती हो। उसके बाद आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सॉल्व करने के लिए 11 का आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर, सो मैंने नेचुरल नंबर के बारे में आपको फटाफट से बता देता हूँ नेचुरल नंबर क्या होता है। सो नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो कि 1 से स्टार्ट होकर अनकाउंटेबल तक जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हो मैंने लिखा है वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 और अनकाउंटेबल मतलब एंड टर्म तक ये वैल्यू जाती ही रहती है। इस नेचुरल नंबर में आपको ये ध्यान में रखना है, ये वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर अनकाउंटेबल तक जाती है। सो यहाँ पे इसमें कि आपको 1 के बारे में एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि 1 का क्या एलसीएम निकलता है। 1 का एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज इटसेल्फ। सो 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज इटसेल्फ। सो इसमें कि आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो सो उसका आंसर वही आता है। सो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ ये कैसे आता है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज इटसेल्फ। सो इसमें कि आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो उसका आंसर वही आता है। सो लेट्स एग्जांपल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 45। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 45 इज 45। अगर आप मैं आपको अगर इस वैल्यू को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 1 को नहीं लिखा, राइट हैंड साइड में लिखा 1 को, और 1 को किसी भी अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ सो उसका आंसर 1 ही उसका आंसर वही आता है। सो लेट्स एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा 23। सो 23 वन ज़ा 23। सो यहाँ पे आप जानते हो 23 वन ज़ा क्या आता है, 23 आता है। इस वजह से क्या 1 का क्या कोई मतलब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो उसका आंसर वही आता है। इस वजह से क्या 1 का कोई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब निकलेगा क्या 1 का, नहीं निकलेगा। सो इस 1 के बारे में ने इतना सारा क्यों बताया आपको, जब वैल्यू 1 आ जाए उसे सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मैंने 1 के बारे में बताया। सो आप जब भी कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे 2 से स्टार्ट करोगे, ना कि 1 से, क्योंकि 1 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकलता मतलब एलसीएम नहीं निकलता। आप हमेशा 2 से स्टार्ट करोगे। सो आपके पास यहाँ पे वैल्यू है 11। सो मैंने नेचुरल नंबर के बारे में आपको बता दिया, 1 की प्रॉपर्टी बता दी, और क्यों अगर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो उसका आंसर वही आता है। यहाँ पे है 11। सो मैं आपको फटाफट से एक टर्म हो एक नंबर होता है प्राइम नंबर, उसके बारे में भी बता देता हूँ। सो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जैसे कि 1, 2, 1, 3, 5, 7 और 11। ये ऐसे नंबर होते हैं जो खुद के ही टेबल में आते हैं, किसी के टेबल में नहीं आते। और यहाँ पे मैंने बताया है जैसे कि 3, क्या 3 किसी के टेबल में आता है, क्या 3 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। क्या 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है। क्या 5 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता। जैसे 7 और 11, क्या 11 किसी के टेबल में नहीं आता ना, इस वजह से यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 11। 11 एक प्राइम नंबर है, इस वजह से ये किसी के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। इस वजह से आपको क्या करना है, 11 को 11 से ही डिवाइड करना है और यहाँ पे या 11 को यहाँ पे कंसीडर करके यहाँ पे लिख देना है इस आधे बॉक्स में, इस साइड में। ये क्वेश्चन वाला एलसीएम का हमने 11 लिखा था और ये वाला 11 हमने यहाँ से कंसीडर कर लिखा था, मतलब हमने कंसीडर कर लिया है। अभी क्या करना है आपको, ये 11 इस 11 को इस 11 से डिवाइड करना है।
अभी क्या करेंगे हम, 11 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे। आप जानते हैं 11 वन सा 11 आता है, 1 माइनस 1 0 आता है, 1 माइनस 1 0 आता है। सो नीचे की वैल्यू 0 0 आ चुकी है, उसे कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। और न्यूमरेटर वाले 1 को क्या करना है आपको, यहाँ पे कंसिडर करके 11 के नीचे लिख देना है। इस न्यूमरेटर वैल्यू को आपको लिखना ही पड़ता है उस वैल्यू के नीचे, क्योंकि ये आप लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सॉल्व कर रहे हो। इस वजह से आपको क्या करना है, जीरो को कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, और न्यूमरेटर वाले वन को क्या करना है, 11 के नीचे लिख देना है वन को। आपके वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने वन के बारे में बताया था, वन मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज इटसेल्फ। इस वजह से इस वन को कहीं सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आई है मल्टीपल में, उसे क्या आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। यहाँ पे अगर और वैल्यूज़ आती, मैं उन इन सब का क्या करता, मल्टीप्लिकेशन करता, मगर यहाँ पे एक ही वैल्यू आई, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू कौन सी है, 11 है ना, इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 1 1 क्या आता है, मतलब 11 ही आता है। सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या आता है, 11 का 11 ही आता है। आशा है आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आओ, इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। गुड बाय।